आज का ये वीडियो एक छोटा सा व्लॉग है तुलसी जी की विवाह का। इसके लिए करी है मैंने कुछ शॉपिंग और कुछ सामान तो मेरे पास पहले से ही था। ये दो मेरे पास चौकियां हैं, जब भी कभी पूजा पाठ का कुछ काम होता है तो मैं इनको ही यूज़ करती हूँ। इसमें एक में मैं बैठाऊँगी तुलसी जी को और दूसरे में शालिग्राम जी को, और इससे पहले मैं गणपति पूजन में भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ। और ये देखिए मैंने तुलसी जी के लिए लहंगा बनाया है, खुद से स्टिच करा है। सॉरी मैं इसका वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत अर्जेंट मैंने इसको स्टिच करा था, मेरे पास टाइम नहीं था। और मैंने चुन्नी तो मार्केट से ख़रीद ली है। ये देखिए इसमें सिल्वर गोल्डन सितारे वगैरह लगे हैं तो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, अच्छा था। और ये मैंने येलो कलर की ड्रेस ली है अपने गोपाल जी के लिए, क्योंकि वूलन में इतनी अच्छी नहीं मिलती है मुझे, इसलिए मैंने ऐसी ली है। और मैंने सोच रखा है कि नए साल से मैं बृहस्पति वार का और एकादशी का व्रत स्टार्ट करूँगी, तो मैं दोनों किताबें लेके आई हूँ। और इसके अलावा लिया है सुहाग का सामान, इसमें पूरा सुहाग का सामान है। और गन्ना लिया है मैंने, इसको वहीं पे ही 4 पीसेस में कट करवा लिया था। और इसके अलावा पूजा में फूल वगैरह और माला वगैरह जो लगती है वो सब ले लिया था। तो डेकोरेशन मैंने कुछ इस तरीके से करी है कि मंदिर के पास ही रखा है, मैं बाहर नहीं करूँगी। और चौकियाँ लगा दी। और देखिए जो 4 पीसेस मैंने गन्ने लिए थे ना, उनको मैंने अपना तुलसी जी का गमला है उसी के ऊपर रख करके ऐसे मंडप जैसा लगा लिया है। और उसके ऊपर मैंने दुपट्टे से, आप दुपट्टे से या फिर चुन्नी आपके पास या साड़ी जो कुछ भी हो आप उसे कवर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपनी ये मेरी मल्टी कलर की साड़ी है, मैंने इसी को कवर कर रही हूँ और इस तरीके से कर रही हूँ कि एकदम मंडप जैसा लगता है। अब चलिए करते हैं भोग की तैयारी। सजावट तो हो ही चुकी है हमारी, और भोग के लिए मैं बना रही हूँ पहले हलवा। खीर भी बनाऊँगी लेकिन पहले मैं हलवा बना लेती हूँ। और ये स्पेशल हलवा है, बेसन का हलवा बना रही हूँ और इसमें बहुत ही कम सूजी पड़ती है अच्छी से बाइंडिंग के लिए। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी डाल लेंगे और उसमें फिर बेसन को भूनेंगे, और तब तक भूनेंगे जब वो उसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। उसके बाद सूजी ऐड करके बाकी का प्रोसेस सेम रहता है जैसे हलवा बनता है, चीनी वगैरह और पानी वगैरह जो पड़ता है। तो बहुत ही टेस्टी था, अच्छा था, हमारा हलवा बन जाएगा। इसके बाद मैं फिर आपको खीर बताऊंगी। ये देखिए हमारा हलवा लगभग पूरा बन के रेडी हो चुका है। आप चाहे तो फिर से एक बार थोड़ा सा घी और इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा पड़ता है और जितना घी पड़ेगा ना इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और मैं खीर बना रही हूँ मखाने की, क्योंकि चावल की नहीं बनाऊँगी, एकादशी में चावल यूज़ नहीं होते हैं, नहीं खाया जाता है उनको। तो मेरी मखाने की खीर भी लगभग रेडी हो गई है और बची हैं सिर्फ पूड़ियाँ निकालना। छोटी छोटी सी पूड़ियाँ निकालूँगी क्योंकि प्रसाद में छोटी छोटी पूड़ियाँ ही चढ़ती हैं। तो मैंने पूजा भी कर ली है, सुहाग का सामान भी चढ़ा दिया है और गठबंधन भी कर दिया है, फल वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है, दिए भी निकाल दिए हैं और मेरी पूजा संपन्न हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखिए। तो वीडियो मेरा थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि ये तो 25 तारीख को मैंने शूट करा था, 25 तारीख को ही पूजा करी थी। और मैंने जो रंगोली बनाई है वो चावल को पीस के बनाई है ताकि इसको यूज़ कर सकूं फिर से मैं किसी ना किसी तरीके से। मैं इनको गाय को दे दूंगी या फिर चिड़िया वगैरह डाल दूँ, उनको डाल दूंगी। और इसके बाद जो दिए निकाले हैं उसके बाद उनको बाहर भी लगा दूंगी। अब मैं बाकी बचे दियों को घर के बाहर लगा दूंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से एक बार दिवाली मनाने का मौका मिल गया, इसलिए इसको कहते हैं देव दीपावली। तो आई होप इसी तरह सबका दिन अच्छा बीते, कुछ अच्छा अच्छा बीते। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को ताकि और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो देन बाय बाय।